हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। ये बिल्कुल ही इजी रेसिपी है और न्यू रेसिपी है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 से 7 एप्पल ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और सुखा लिया है। अब मैं इन्हें पील कर अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी, यानी कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से देसी घी, चीनी, कोकोनट का बूरा, क्रश्ड कोकोनट और मिल्क पाउडर। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें डिज़र्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन के अंदर हमारा देसी घी ऐड कर दिया है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, और जब ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए तब हम इसके अंदर ग्रेट किए हुए एप्पल ऐड कर देंगे। और मेक श्योर कि एप्पल आप राइट अवे ग्रेट कीजिएगा ताकि वो काले ना पड़े। और इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पका देंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ही सूख जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर पानी भी कम है। और इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही मिक्स करते रहना है। अब मैं इसके अंदर 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और अगर आपके पास सिनेमन का पाउडर है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है, आप इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही चलाते रहिएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर हमारा क्रश्ड कोकोनट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा कर मैं मिल्क पाउडर को ऐड कर दूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। मिल्क पाउडर को ऐड करने से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगा। अब मैं बाकी का मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर हमारी किशमिश को ऐड कर दिया है और इसके साथ मैं येलो फूड कलर को भी ऐड कर दूँगी। इससे हमारे हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और 2-3 मिनट के लिए और इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से ऐड कर दूंगी और थोड़े से बादाम ऐड कर दूंगी। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी और चीनी ऐड कर रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे हलवे का। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूंगी। और इसे चेक करने का तरीका वही है जैसे कि आप नॉर्मल हलवे को करते हैं। आप देख रहे हैं मैं डैप डैप कर रही हूँ, तब भी हमारा हलवा हमारी कड़छी के साथ नहीं लग रहा है। तो प्रॉपरली हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं उस सिनेमन के पीस को निकाल रही हूँ। अब हमारा हलवा खाने के लिए तैयार हो चुका है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही यूनिक है, तो आप प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ईजी है, इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए गए हैं। और अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आए हों तो आप उन्हें इसे ईजिली बनाकर खिला सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस डिज़र्ट को अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।